नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता और जैसे मैं पहले भी कह रहा था आपको, आज आ गई जी वो घड़ी। हालांकि भारत की टीम तो नहीं है, लेकिन आज एक फाइनलिस्ट तय हो जाएगा। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच ये पहला सेमीफाइनल है। यही दोनों टीमें 50 ओवर के वर्ल्ड कप का फाइनल खेली थी। वो क्या शानदार मैच हुआ था। लेकिन T20 में शायद इंग्लैंड एक बड़ी टीम है और इस बड़ी टीम पर सबकी नजर रहेगी। सवाल यही है कि जेसन रॉय नहीं है, उनके गैर मौजूदगी में क्या इंग्लैंड में अब भी वो ताकत है कि हम ये कह पाए कि वो एक और फाइनल खेलेंगे। एक तरफ है दुनिया की नंबर वन टीम, दूसरी तरफ है दुनिया की नंबर चार टीम। आंकड़ों में इंग्लैंड आगे, हालात में इंग्लैंड आगे, सालों से इंग्लैंड आगे, इस साल भी इंग्लैंड आगे। आप अटकलें ही लगा सकते हैं, शर्त नहीं, क्योंकि T20 में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। खास तौर पर जब दांव पर फाइनल का टिकट लगा हो। कहने को ये मुकाबला इंग्लैंड की बल्लेबाजी और न्यूजीलैंड की गेंदबाजी का है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल जैसे मुकाबले में कौन कब पासा पलट जाए कहना मुश्किल है और देखना दिलचस्प। खैर, दिलचस्प तो ये आंकड़े भी हैं जो बता रहे हैं कि हर मोर्चे पर इंग्लैंड 20 क्यों है। T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में दोनों बार इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराया है। वैसे वर्ल्ड कप में जब दोनों का आमना सामना हुआ है तब 5 में से 3 बार इंग्लैंड जीता है। इस साल खेले गए T20 में इंग्लैंड ने 16 में से 11 मैच जीते हैं, तो न्यूजीलैंड ने 18 में से 12। ओवरऑल आंकड़ों पर नजर डालें तो T20 में 21 में से 21 मैचों में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को मात दी है। कप्तान दोनों ही टीमों के कूल हैं, न फालतू का पैनिक न दिखाने की आक्रामकता। साल 2019 में जब दोनों टीमों के बीच वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था तो दुनिया ने रोमांच, दबाव तो तनाव के उन पलों में भी भावनाओं को कंट्रोल करने वाली इन शख्सियत को देखा था। आज फिर कप्तानों का इम्तिहान होगा। I mean, we've played each other a number of times. We've had some really, really good games and really good series. And you know, the evolution of the England side, and particularly the white ball sides, been significant over a number of years. And they've got, you know, a lot of experienced T20 players in their side, and as a collective, are playing some really good cricket. So we know it's a nice challenge that we're looking forward to. And beyond Kane's realm as captain, New Zealand have always been extremely competitive in and around semi-finals and finals consistently for some time now. So we're looking forward to a challenge. थोड़ी देर बाद होने वाला पहला सेमीफाइनल अबू धाबी में है, जहां पिछले कुछ मैचों में रन बने नहीं बरसे हैं। तो तैयार हो जाइए एक और सुपर हिट मुकाबले के लिए। आज तक ब्यूरो। तो फिलहाल टॉस की खबर आई है और टॉस न्यूजीलैंड ने जीता है और पहले गेंदबाजी का फैसला भी किया। और मदन जी मेरे साथ हैं, सनी भाई भी जुड़ने वाले हैं। शायद सेमीफाइनल फाइनल आमतौर पर आप चाहते हैं मदन जी कि बैटिंग पहले की जाए, बोर्ड पर रन लगा दिए जाए, क्योंकि दबाव बाद में क्या होता है चेज करने का। लेकिन यहां पर क्योंकि कंडीशंस पूरे टूर्नामेंट में इस तरह से रही हैं कि ओस आ जाती है, खासतौर से इन वेन्यूज में, टॉस जीतना क्या ये 20% मैच का नतीजा भी आपकी तरफ चले जाता है? देखिए, एडवांटेज तो है ही है, क्योंकि यहाँ पर आप ओस के कारण पहले गेंदबाजी करेंगे, ओस के कारण आप गेंदबाजी कर रहे हैं, आप पहले कर रहे हैं, तो उसमें होता क्या है कि आपको, हमें मालूम है, हमने भी भुगता, हमारी टीम ने भी भुगता है, इंडियन टीम ने भी ओस के कारण। पर यह है कि अब जो है, जब आप सेकंड बॉलिंग करते हैं तो बॉल सीधा भी जाता है, कोई गेंद टर्न नहीं करता। इवन सीमर जो बॉल कर रहे होते हैं वो भी, उनका गेंद भी ज़्यादा इतना सीम नहीं करता, क्योंकि अगर आप देखें तो गेंद स्किड करता है, बल्ले में बहुत आसानी से आता है। तो ये मेरे ख्याल अच्छा डिसीजन है उन्होंने लिया है, पहले उसका करने का, बॉलिंग करने का। चलिए मैं आपको टीम भी बता देता हूँ, क्योंकि इंग्लैंड को एक बहुत बड़ा झटका लगा था जेसन रॉय उनके T20 के जारहाना सलामी बल्लेबाज, जो कि बटलर के साथ ओपन करते थे और शायद नींव ऐसी रखते थे T20 में। उनको पिछले मैच में चोट लगी थी, आपने देखा था उनको क्रचेस पर, और वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। लेकिन उनकी जगह उन्होंने क्या किया, आज टीम में सैम बिलिंग्स आए। सैम बिलिंग्स नीचे खेलेंगे, आप जानते हैं, धड़ा मारते हैं लंबा,
लेकिन ओपन वो करेंगे बटलर और जॉनी बेस्टो के साथ। वो उनके जो वनडे के सलामी जोड़ी है वो जॉनी बेस्टो और बटलर के साथ ओपन करेंगे। मलान नंबर तीन खेलेंगे, कप्तान मॉर्गन जिन्होंने रन नहीं बनाए हैं। अब मॉर्गन इतनी देर आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं, मॉर्गन चार खेलेंगे। लिविंगस्टोन जो कि लंबे छक्के मारते हैं वो पांच खेलेंगे। छह मोइन अली खेलेंगे, सैम बिलिंग सात खेलेंगे और क्रिस वोक्स आठ। उसके बाद क्रिस जॉर्डन, आदिल रशीद, मार्क वुड, सनी भाई भी जुड़ गए हैं। सनी भाई, टीम तो बड़ी डेप्थ है इंग्लैंड में, लेकिन अच्छा टॉस न्यूजीलैंड के लिए, जीत कर पहले गेंदबाजी का फैसला। जी हाँ, देखिए हम लोग ने बहुत बार ऐसा कहा है कि पोस का बहुत फर्क पड़ता है, तो इंग्लैंड की टीम के पास हाँ मजबूत डेप्थ है, पर अगर उनको 130-140 तक रिस्ट्रिक्ट किया तो फिर न्यूजीलैंड की आशाएं बढ़ सकती है। सनी भाई, ये पता नहीं आप ये इंडिकेशन दे रहे हैं जो आपने टी शर्ट पहना हुआ है, ये काले रंग की जो आपने टी शर्ट पहनी है, ये आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, ये आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जो टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी जून में, उसकी काला रंग मेरे ख्याल ऑल ब्लैक्स की तरफ थोड़ा सा, पता नहीं, या मदन जी तो कह रहे हैं कि नज कर रहे हैं आप न्यूजीलैंड की तरफ, ऐसा है क्या? लगता सनी भाई सपोर्ट कर रहे हैं न्यूजीलैंड को। सनी भाई आप सपोर्ट कर रहे हैं न्यूजीलैंड को लग रहा है? जी हां, मैं तो न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहा हूं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो एक दरख्वास्त, इतनी लाइकेबल टीम है ना। नहीं, एक दरख्वास्त है आपसे फिर, अब अगर आप न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहे हैं तो हाका करना पड़ेगा आपको। यार वो तो मुझसे नहीं होता, मुझसे भांगड़ा नहीं होता तो हाका क्या होगा। हाका मदन जी कर सकते हैं, मदन जी कर सकते हैं हाका। नहीं, लेकिन आपने कुछ दिन पहले प्रिडिक्ट किया था कि इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ये फाइनल, क्या आप अभी भी उसी चीज पर कायम है? यानी कि भले ही आप कह रहे हैं कि आप यू बैकिंग द अंडरडॉग न्यूजीलैंड, क्या न्यूजीलैंड ही अंडरडॉग है? क्या इंग्लैंड अभी भारी टीम है ये देखते हो कि जेसन रॉय को चोट लगी है? जी बिल्कुल, क्योंकि जो उनको रिप्लेस कर रहे हैं जॉनी बेस्टो, वो भी जबरदस्त फॉर्म में है। उन्होंने ओपन किया है, हमने देखा है कि जब वो सनराइजर्स के लिए ओपन करते थे कितनी अच्छी ओपनिंग की है उन्होंने, तो मुझे लगता है कि उस जेसन रॉय के जाने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये सेमीफाइनल है, पहले जो मैचेस हुए थे वहां पे जेसन रॉय और बटलर की जोड़ी थी वो टूट गई है, पर जॉनी बेस्टो एक अच्छे बल्लेबाज है, तो मुझे लगता है कि जिस तरह की बैटिंग डेप्थ है, हमने देखा कि क्रिस वोक्स नंबर आठ पर आएंगे, आदिल रशीद जिनके पास मुझे अगर मैं सही याद है मुझे तो उनके पास 10 फर्स्ट क्लास सेंचुरी है आदिल रशीद के पास, मतलब वो भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो अच्छी बैटिंग डेप्थ है, पर जरूरत नहीं पड़ेगी शायद अगर पहले चार पांच बल्लेबाजों ने अच्छी तरह से बल्लेबाजी की तो फिर नंबर 7-8 को मौका नहीं मिलेगा। अच्छा सनी भाई, एक मिनट के लिए मुझे रोकना पड़ेगा मदन जी आपको भी, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो आपने खबर सुनी थी रेसलर निशा दहिया की मारे जाने की, वो खबर गलत थी और चूंकि आज तक पर निशा दहिया खुद मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, मैं उन्हीं से बात करता हूं। निशा, पहले तो लोग आपसे सुनना चाहेंगे क्योंकि पिछले कई मिनट से ये बात चल रही थी, निशा सुन रही हैं? निशा आप हमारे साथ हैं? ठीक हूँ और ये फेक न्यूज है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये फेक न्यूज है, आप कहाँ पर हैं? हेलो, मेरा नाम निशा है और मैं सीनियर नेशनल खेलने आई हूँ गोंडा में, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये फेक न्यूज है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हेलो, मेरा नाम निशा है और मैं सीनियर नेशनल खेलने आई हूँ गोंडा में, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये फेक न्यूज है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये स्टेटमेंट है, वीडियो स्टेटमेंट है जी, आपके सामने प्रमाण है, सबूत है, लेकिन अब सवाल यही है कि ये खबर कहां से आई थी, क्या आई थी, तहकीकात इस पर भी करनी होगी। तो निशा दहिया खुद आपके सामने हैं, कह रही हैं मैं निशा दहिया हूं, मैं नेशनल खेलने आई हूं और मैं बिल्कुल सही सलामत हूं। कुछ मिनट पहले ये खबर आई थी, लेकिन अच्छी बात यह है, रात की बात यह है कि वो खबर गलत थी। हेलो, मेरा नाम निशा है और मैं सीनियर नेशनल खेलने आई हूँ गोंडा में, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये फेक न्यूज है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हेलो,
निशा है मेरे साथ फोन पर। निशा, मैंने आपका वीडियो स्टेटमेंट तो देख लिया और कुछ देर पहले तो दुनिया डर गई थी। सही सलामत हैं आप? बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं नेशनल में आई हूँ, यहाँ पे नगर में वाला नेशनल मैं यहाँ पे आई हूँ। मेरे पास एकदम से कॉल आने लगे ऐसे इंस्टाग्राम पे, मतलब पता नहीं किसने मेरा पोस्टर डाल दिया है, मुझे तो पता नहीं इस बारे में कुछ भी। तो घर वालों को एकदम से घर वाले परेशान हो गए थे, तो मैंने बात की सब बिल्कुल डर गए थे। लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो सोनीपत से खबर आई थी, क्या वो किसी और की होगी आपको लगता है? नहीं, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, मुझे नहीं पता इस बारे में कोई है। निशा, आपके परिवार में सब ठीक है? आपके परिवार में सब ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी, जी बिल्कुल ठीक है। चलिए, ये बड़ी राहत की बात है। निशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले आपने वीडियो डाला और उसके बाद आप खुद आज तक पर आई हैं और आपने बताया कि आपको भी ये खबर पता चली, आपके घर वालों को फोन आया और फिलहाल सब कुछ सही सलामत है। आई हूँ गोंडा में और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये फेक न्यूज़, हेलो, हेलो, और मैं सीनियर नेशनल खेलने आई हूँ गोंडा में और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये फेक न्यूज़ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हेलो, मेरा नाम निशा है और मैं सीनियर नेशनल खेल। तो जो आप खबर देख रहे हैं, दरअसल अनफॉर्चुनेटली मदन जी, हुआ यह है कि शायद ये इंसिडेंट हुआ है जो मैं देख भी पा रहा हूं और सोनीपत में ही शायद हुआ है। कोई और निशा है और अचानक से निशा दहिया का नाम आ गया और निशा दहिया खुद अभी आज तक पर आई थी, उन्होंने कहा कि मैं सही सलामत हूं। लेकिन पूरी खबर वहां पर क्या है उस पर भी आपको थोड़ी देर में तफसील मिलेगी। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज सेमीफाइनल की, क्योंकि एक टीम जाएगी जी आगे, मदन जी भी हैं और मदन जी, सनी भाई कहते हैं डेप्थ इंग्लैंड को एक मजबूत टीम बनाती है, डेप्थ भी बनाती है और शायद उन्होंने यहां आने के लिए उतनी मेहनत भी की है, उन्होंने वो फियरलेस क्रिकेट खेली भी है। वो T20 मैच में ये नहीं सोचते यार हमारे दो आउट हो गए अब हम क्या करें, वो कहते दो आउट हो गए कोई बात नहीं, हमें तो आगे जाना है। और यही सोच उन्हें आज शायद इस फॉर्मेट की सबसे इंटिमिडेटिंग टीम भी बनाती है। हाँ बिल्कुल, देखिए जो उन्होंने बड़ी फेयरलेस क्रिकेट खेली है और उसके रिजल्ट भी उनको 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 मिले हैं। और हमेशा मैंने देखा है बटलर और अब तो जॉनी बेस्टो कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि उनको स्टार्ट भी अच्छा मिला, पावर के जो 6 ओवर हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे यूटिलाइज किए हैं। पर डेप्थ जैसे जो है इंग्लैंड की वो उनकी मैं समझता हूँ कि स्ट्रेंथ है, पर बॉलिंग में कोई ज़्यादा इतना ज़्यादा अंतर नहीं है। उनके पास भी 2 स्पिनर हैं, इनके पास भी 2 है और उसके पेसर भी इनके मैं समझता हूँ कि मोरल ऐसे एक जैसे ही हैं, पर बैटिंग में मैं समझता हूं कि इंग्लैंड थोड़ा सा। और यही आंकड़े सनी भाई स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, अगर आप बॉलिंग देखें या बैटिंग देखें, पावर प्ले में आप क्या करते हैं, बीच में आप क्या करते हैं और एंड में आप कैसे खेलते हैं, तो इंग्लैंड साफ तौर पर सिर्फ एक जगह कमजोर दिखती है, जब वो स्लॉग ओवर्स डालते हैं, जो स्लॉग ओवर्स डालते हैं वहां पर इंग्लैंड थोड़ा कमजोर दिखता है। लेकिन अगर आप पूरी बैटिंग देखें इंग्लैंड इंटिमिडेटिंग है। न्यूजीलैंड लेकिन सनी भाई एक ऐसी टीम है जो कहते ना ईंट दर ईंट वो बिल्डिंग बनी है, नाम और उसके साथ साथ काम, और केन विलियमसन कप्तान जो एंड तक खेल कर आने के लिए बहुत मशहूर है। जी बिल्कुल, वो गिव अप नहीं करते और सबसे बड़ी बात उनकी है कि वो जानते हैं कि उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। बड़ी छोटी कंट्री भी है, मैं समझता हूँ कि 5 या 7 मिलियन की पॉपुलेशन है, तो वहां पे उनके उनके जो फॉलोअर्स है ज्यादा रग्बी फॉलो करते हैं और क्रिकेट इतना फॉलो नहीं करते, इसका मतलब है कि इन जो प्लेयर्स हैं इन पर इतना दबाव नहीं बनता जैसे कि हमारे प्लेयरों पे बनता है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी जबरदस्त है और वो सब उनमें से बहुत सारे क्रिकेट फॉलो करते हैं, तो ये एक न्यूजीलैंड के लिए एडवांटेज बनता है। और दूसरी एक बात है कि उनकी जो क्रिकेट सिस्टम है वो भी काफी अच्छी सिस्टम है, जहां से उनके युवा खिलाड़ी ऊपर आते हैं, अंडर 19 से आते हैं, 18 से आते हैं, तो काफी अच्छी छोटी छोटी कंट्री है, छोटी मतलब कॉम्पिटिशन भी है, मैं समझता हूँ 6 फर्स्ट क्लास टीम्स है, तो उनके पास बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं। हमने देखा है कि आईपीएल में देखा है, बिग बैश में आप जाके देखेंगे, अभी जो 100 हुआ था इंग्लैंड में वहां पे भी उनके कुछ खिलाड़ी थे, उन्होंने अच्छा किया था, तो वो सरप्राइज कर सकते हैं। उनको जो भी कोई लाइटली लेता है, हल्का लेता है, तो वो उनको दिखा देते हैं कि हमको हल्का मत लीजिए क्योंकि हमारे पास भी काफी ताकत है। अरसे से भारत उनको हल्का ले रहा था, लेकिन इस साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल ऐसा हुआ उसके बाद भारत ने हल्का लेना बंद कर दिया,
इस बार जब मैच था तो भारत हल्का, छोड़िए भारत इतना दबाव में था कि न्यूजीलैंड ने चारों खाने चित किया भारत को। लेकिन सनी भाई, आबू धाबी ऐसी जगह जहां पर बैटिंग के लिए कंडीशंस ठीक है, बैटिंग के लिए कंडीशंस अच्छी हैं, वहां पर इंग्लैंड चाहेगा, चूंकि ओस का आपको डिसएडवांटेज है, आपने आपके स्पिनर्स को पता नहीं बाद में मदद मिले ना मिले, आपको 160-170 रन कम से कम चाहिए होंगे बोर्ड पे। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक उनको मुझे लगता है कि 160-170 रन तो कम से कम चाहिए, क्योंकि जैसे आपने कहा कि ओस का भी इफेक्ट हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि अबू धाबी का जो मैदान है वो खुला मैदान है, तो वहां पे हवा काफी चलती है, ओस भी कम, मतलब जो आपकी आखिरी ओवर जो होगी 20वीं ओवर होगी, अगर 20वीं ओवर में आपको सिर्फ 10 रन भी बनाने हैं तो अगर वो विंड के खिलाफ हो तो वो लंबे शॉट मारना आसान नहीं बनता। तो ये मॉर्गन एक ऐसा कप्तान है, वो जानेगा पहली ओवर डालने के पहले कि 20वीं ओवर कहां से होगी, तो ये सब सब सोच समझ कर, इसीलिए तो इतना बढ़िया कप्तान है। और उसी अंदाज से वो बॉलिंग लगाएगा, वो बॉलिंग चेंजेस करेगा, कौन आखिरी ओवर करेगा ये भी देखेगा। तो देखिए 140 रन भी इंग्लैंड डिफेंड कर सकती है, इंग्लैंड के पास गेंदबाजी है। लेकिन सनी भाई, चूंकि आज सेमीफाइनल है, पहला सेमीफाइनल है, और नॉकआउट गेम्स में आप अलग तरह का प्रेशर हैंडल करते हैं, इंग्लैंड कहते हैं ना बीन देयर डन इट बिफोर, न्यूजीलैंड बीन देयर डन इट बिफोर, इन दोनों टीमों को ये एडवांटेज है। मॉर्गन के रन्स नहीं आए हैं बल्ले के साथ, क्योंकि जेसन रॉय अगर ऊपर से बाहर हो जाते हैं, भले ही आप बेस्टो से ओपन करा रहे हैं, लेकिन मॉर्गन का नंबर भी 5 से 4 हो जाता है, तो मॉर्गन को भी तो रन बनाने होंगे। हाँ बिल्कुल, कप्तान के नाते अगर आप रन बनाते हैं तो फिर आपकी कप्तानी भी बेहतर होती है, क्योंकि आप पर जो दबाव बनता है वो हल्का सा हो जाता है। आप अपने प्लेयर्स को कह सकते हैं कि आप हमने किया तो आप जो आपने किया वो आप दूसरों आपके जो टीममेट्स हैं उनसे आप अपेक्षा कर सकते हैं कि वो भी मतलब एक अच्छी फाइट दे दे, तो वो अगर करेंगे नंबर चार पर, और उनके पास वो काबिलियत है, हमने देखा है कि वो बड़े बड़े छक्के मारते हैं आईपीएल में, जो उन्होंने क्रिस मॉरिस को राजस्थान रॉयल्स के, जो क्रिस मॉरिस को बड़ा छक्का मारा था ग्राउंड के बाहर, शारजा के ग्राउंड पे, यहाँ शारजा का मैदान वैसे छोटा है पर बड़ा लंबा छक्का मारा था, तो उनके पास वो काबिलियत है। पर ये वो भी ये सोचेंगे कि अगर पहले 3 बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की और अगर 16-17 ओवर की बात आ गई तो वो शायद सैम बिलिंग्स को ऊपर भेज देंगे, वो भी हो सकते हैं, लियाम लिविंगस्टन को ऊपर भेज सकते हैं, क्योंकि वो बड़े लंबे मारने वाले युवा खिलाड़ी है। नहीं अब यही है ना सनी भाई कि पहले 6 ओवर, क्योंकि न्यूजीलैंड आएगा, बोल्ट सऊदी दोनों आएंगे नए बॉल के साथ, और हल्का सा मूवमेंट अगर मिल गया, इंग्लैंड का इम्तिहान यही है कि इंग्लैंड जिस तरह से जा रहे आना तरीके से T20 क्रिकेट खेलता है नई बॉल के साथ, क्या 6 ओवर में 2 गिरते हैं या फिर 6 में 50 इंग्लैंड बोर्ड पर लगाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही है, लेकिन आप जानते हैं कि मैच जब पहली पारी खत्म होगी हम आज तक पर तो आएंगे, साथ ही साथ हमारा YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक है, इस पर हम लगातार लाइव रहते हैं। आप पूरा वर्ल्ड कप आपने देखा स्पोर्ट्स तक पर, अब सेमीफाइनल फाइनल भी आप स्पोर्ट्स तक के साथ जुड़िए, क्योंकि आपके मंच पर आपके सवाल लिए जाते हैं। आपको सब्सक्राइब करना है YouTube पर जाकर स्पोर्ट्स तक को, नोटिफिकेशन की घंटी बजानी, और स्पोर्ट्स तक का ऐप जहां पर जब मैच चल रहा हो अब लाइव स्कोर फॉलो कर सकते हैं, वैगन व्हील आते हैं, डेटा आता है, आंकड़े आते हैं, बहुत सारी कहानियां आती हैं, वीडियोस भी आते हैं, तो आपको रहना है आज तक और स्पोर्ट्स तक के साथ।